Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you will be fine and okay. Today we will discuss the active voice and passive voice of future indefinite tense. Future indefinite tense के active से passive फिक्रा कैसे बनाया जाता है, इसको सीखने से पहले हम ये देखेंगे कि जो future indefinite होता है ये क्या होता है. फ्यूचर इंडेफिनेट वो टेंस है जिसके उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गी या गे आता है, नंबर वन. नंबर टू, इसके अंदर फेल की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है. और नंबर थ्री, इसके अंदर हम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं. अब हमने ये देखना है कि विल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और शैल का इस्तेमाल कहाँ करेंगे. आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं. ये तो दो तीन बातें थी जो मैं आपको इम्पोर्टेंट समझ रहा था कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से बताया जाए. अब हम जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे एक्टिव से पैसिव फिक्र है वो कैसे बनाया जाता है उसकी तरफ आएंगे. इसमें दो चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं, एक है विल बी और एक है शैल बी. जब भी हम फिक्र एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसमें हम विल बी या शैल बी का इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अब पहला फिगर देखिए, ही विल बाय अ बुक, वो एक किताब खरीदेगा. अब यहां पर अ बुक जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इधर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा और इसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी लगा देंगे. अ बुक विल बी बोट. अब यहाँ पर थर्ड फॉर्म जो है बाय की, जो थर्ड फॉर्म है बाय बोट, बोट होता है तो थर्ड फॉर्म बोट आ जाएगी, उसके बाद बाय और उसके बाद जो ही है इसका हिम बन जाएगा. तो इस तरह फिगर जो पैसिव वॉइस बनेगा वो ये होगा, अ बुक विल बी बोट बाय हिम, एक किताब उससे खरीदी जाएगी. दूसरा फिगर, अहमद विल नॉट इनवाइट यू टू टी, अहमद आपको चाय पर इनवाइट नहीं करेगा. अब इसमें ये देखिए कि ये जो हमारा हिस्सा है इस फिक्रे का, ये वाला हिस्सा टू टी, इसको हम जैसा एक्टिव फिक्रे में ये एंड पर है इसी तरह से पैसिव में भी हम इसको एंड पर रखेंगे. बाकी फिक्रे को हम समझ लेंगे. अब यू जो है, ठीक है, ये इधर एक प्रोनाउन है, एक जो यहाँ पर अहमद है ये सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, तो हम वी shall not be invited by Ahmed to tea. अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लगाएंगे you, ठीक है, और you लगाकर हम you shall not be invited by Ahmed to tea, यानी कि you जो है उसका उसको हम चूंकि उधर ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद shall आ जाएगा और उसके बाद be यहाँ पर हम दरमियान में इसके shall और be के दरमियान में not लगाएंगे तब ये फिक्र नेगेटिव बनेगा. You shall not be invited by Ahmed to tea. अगर आप you shall be not लिख दोगे तो ये फिक्र गलत हो जाएगा. shall और be के आप दरमियान में not लिखोगे, उसके बाद आप थर्ड फॉर्म लिखोगे, उसके बाद बाय, उसके बाद अहमद जो कि सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनेगा. और टी जैसा कि पहले मैंने कहा है क्योंकि ये एक्टिव फिक्रे के एंड पर है इसी तरह ये पैसिव फिक्रे के भी एंड पर ही है, ठीक है, ये नेगेटिव फिक्र है. अब हम नेगेटिव फिक्रे की तरफ चलते हैं कि व्हाई दे प्रोटेक्ट अस, विल दे प्रोटेक्ट अस, क्या वो हमें प्रोटेक्ट करेंगे, क्या वो हमारी हिफाजत करेंगे. तो अब इसका ये देखिए कि चूंकि यहाँ पर विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और वो शुरू में आ रहा है तो हमने पैसिव फिक्रे में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको भी शुरू में लिखना है, लेकिन हमने यहाँ पर शैल लिखा है. अब शैल क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि वी जो है आई और वी के साथ शैल आता है जैसे कि आप रेडी में बता चुका हूँ. तो अब चूंकि हमने अस का जो है वी बनाना है तो वी जो है वो शैल साथ जो हेल्पिंग वर्ब है शैल देगा, तो इसलिए शैल शुरू में आ जाएगा, उसके बाद अस का वी बन जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा. किस तरह से मैंने नेगेटिव में बताया कि शैल और बी के दरमियान में नॉट आएगा, इसी तरह यहाँ पर भी शैल और बी के दरमियान में जो हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया वो दरमियान में आएगा. तो शैल वी बी प्रोटेक्टेड बाय देम, दे जो है उसका चूंकि ये सब्जेक्ट है तो ये इधर जाकर देम में है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इंटरेक्टिव हुआ shall we be protected by them. उसके बाद हम डबल इंटरोगेटिव को देख लेते हैं. When will you paint the house? When will you paint the house?
अब हाउस को पेंट कब करोगे, आप हाउस को पेंट कब करोगे। तो अब चूंकि ये डबल इंटरोगेटिव है तो इसी तरह से व्हेन विल जिस तरह शुरू में आ रहा है पैसिव में भी आप इसको शुरू में लिख लो व्हेन विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो व्हेन विल द हाउस, उसके बाद बी, हमने चूंकि बी तो लगाना ही लगाना है क्योंकि विल बी और शैल बी तो आएगा, तो व्हेन विल द हाउस बी पेंटेड बाय यू और एंड पर इंटरेक्टिव मार्क। अब यहाँ पर भी कोई बात है कि व्हेन विल जब आप लगाएंगे तो आप फौरन बी नहीं लगा देंगे बल्कि व्हेन विल और बी के दरमियान में आप जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहे हो वो आप इधर दरमियान में लिखोगे। तो व्हेन विल द हाउस बी पेंटेड बाय यू, ये हमारे थे फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव से पैसिव वॉइस, और इसमें जो बेसिक चीज़ है वो यही है कि आप विल बी और शैल बी लगाएं और साथ आप थर्ड फॉर्म लगाएं, और जहां पर आपने नेगेटिव बनाना है तो आप वहां पर विल बी या शैल बी के दरमियान में नॉट लगाएं, अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है तो विल या शैल को शुरू में लगा दो उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो उसके बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगाओ और इस तरह फिक्र आपका पैसिव बन जाएगा। एंड आई होप कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के हवाले से फ्यूचर इंडेफिनिट की वो आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।